हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्काइल अमीन्स के बारे में। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग इसके फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्काइल अमीन के शेयर भाव आने वाले दिनों में किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं और इसके जो पास्ट के रिटर्न रहे हैं उसको भी हम लोग चेक करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके रिटर्न को देख लेते हैं कि ये स्टॉक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिए। पिछले एक सप्ताह में ये तकरीबन 1.5% की तेजी दिखा रहा है, पिछले एक महीना में तकरीबन 4% की तेजी दिखाया है, ईयर टू डेट जनवरी से अभी तक ये 34% का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 235% का रिटर्न दिया है, पिछले तीन साल में 731% का रिटर्न दिया, पिछले पांच साल में तकरीबन 1600% का रिटर्न दिया, पिछले 10 साल में 11956, यानी कि पिछले 10 साल में इसने अपने निवेशकों का पैसा 120 गुना करके लौटाया है। तो आप दोस्तों खुद ही समझ लें कि जो कंपनी 10 सालों में अपने निवेशकों का पैसा 120 गुना कर दी है तो इसके जो रिजल्ट रहे होंगे, एनुअल रिजल्ट, वो पिछले 10 सालों से काफी शानदार देखने को मिले होंगे और ये कंपनी अपने बिजनेस को काफी शानदार तरीके से ग्रो की होगी, जिसको कि हम लोग आगे चेक करेंगे। क्योंकि जब तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, फंडामेंटल अच्छे नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी स्टॉक इतना तगड़ा रिटर्न नहीं दे सकता है। तो इसको हम लोग अब आगे चेक करेंगे और उसको चेक करने से पहले इसके चार्ट पैटर्न को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि चार्ट पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है लगातार बुलिश फेज में चल रहा है। ये देखिए, ये हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई, इस तरह करके इसके जो चार्ट पैटर्न है काफी बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। अब अभी ये जो है तकरीबन 5130 रुपए पर चल रहा है, तो क्या ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर जाएगा या यहां से ये लुढ़क जाएगा, तो ये हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है अल्काइल अमीन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 10,500 करोड़ मार्केट कैप रखता है। करंट भाव इसका 5130 रुपए है, जबकि 52 वीक हाई जो है 5600 रुपए के आसपास है, यानी कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जबकि 52 वीक लो 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफी शानदार 42% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये काफी शानदार 41% देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.1% काफी बेहतरीन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 50.4 टाइम, यानी कि डेट पेइंग कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी है। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.05, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि अल्काइल अमीन के जो फंडामेंटल्स है वो काफी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों सुपरफिशियली तो हम लोगों ने जान लिया कि अल्काइल अमीन्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिस प्रकार से इसने अपने निवेशकों का पैसा इतना मल्टीप्लाई किया है, तो जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि इसके जो एनुअल रिजल्ट रहे होंगे वो काफी शानदार देखने को मिले होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि शानदार आए थे या नहीं आए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, FY9 से FY20 तक के एनुअल रिजल्ट हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके सेल्स फिगर को देखा जाए, इनके सेल्स जो है लगातार साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, काफी तीव्र गति से इनके सेल्स जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले 11 सालों में। सेम पीरियड में अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी ये देखिए लगातार साल दर साल काफी तीव्र गति से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल बोले दोस्तों कि FY9 से लेकर के FY20 के बीच इनके जो सेल्स हैं ये लगभग 5 टाइम्स होते हुए हम लोगों ने देखे हैं, और सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इनके नेट प्रॉफिट जो है 6 करोड़ से बढ़ करके 215 करोड़ होते हुए हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इनके जो नेट प्रॉफिट है वो काफी
30 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं इस पूरे पीरियड में। इनके सेल्स बढ़े हैं 5 गुना और नेट प्रॉफिट बढ़े हैं 30 गुना से ज्यादा, जबकि इंटरेस्ट बर्डन देखिए काफी हेल्दी लेवल पर मेंटेन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो साल दर साल काफी अच्छे रहे हैं और काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स लेकर के हम निवेशकों के सामने आई है, जिसके वजह से ये स्टॉक जो है लगातार अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दे पाने में सफल रही है, जो कि हम लोगों को इसके ग्राफ से भी देखने को मिल रहा है। लगातार ये बुलिश फेज में चल रहा है, तो क्या अब ये स्टॉक आगे भी बुलिश फेज में चलेगा या फिर यहां से गिर जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी Q3 के रिजल्ट किस प्रकार लेकर के आई है। तो ये देखिए दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर में इसने 324 करोड़ का नेट सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर 257 करोड़ देखने को मिला था। तो यहाँ इनके सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 77 करोड़ हुआ करता था लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, जो कि इस बार ये 84 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अगर सेप्टेम्बर क्वार्टर का मिलान करें तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 235 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार 291 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके सितंबर क्वार्टर में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार बढ़ करके 65 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में भी सेम पीरियड में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अल्काइल अमीन के जो रिजल्ट रहे हैं, न केवल ईयर ऑन ईयर एनुअल रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं, बल्कि इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, वो काफी बेहतरीन देखने को मिलेंगे और इनके एनुअल रिजल्ट भी FY21 के काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि इस शेयर में इन स्तरों से भी हम लोगों को तेजी आते हुए देखने को मिलेगी, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। और इस विश्वास को एक न्यूज ने और बल दे रखा है कि अगर हम लोग जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है मिस्टर गौड़ा, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो PLI स्कीम है वो केमिकल सेक्टर को एक्सटेंड किया जा रहा है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये जो बूस्ट मिलने जा रहा है दोस्तों, ये 1 अप्रैल से मिलने जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये 1 अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इस प्रकार के जो न्यूज होते हैं दोस्तों और इस प्रकार के जो एक्शन है गवर्नमेंट के, इसका काफी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है किसी भी शेयर में, किसी भी सेक्टर में, क्योंकि ये पूरा बूस्ट जो मिलने वाला है वो केमिकल सेक्टर को मिलने वाला है। तो हम लोग इन स्तरों से भी इस स्टॉक में काफी तेजी आता हुआ देख पाएंगे आने वाले दिनों में। और ये जो तेजी रहेगी दोस्तों, ये मल्टी ईयर रैली देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग बात करें दोस्तों कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। तो अगर हम लोग इसके टेक्निकल इंडिकेटर को देखें तो ये 50 डेज MA है, ये 100 डेज MA का ग्राफ है, ये रेड वाली लाइन 200 डेज MA का ग्राफ है। तो इसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये काफी बुलिश फेज में है, ये तीनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर जाकर के ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी बुलिश फेज में है। अब इस न्यूज के बदौलत इस स्टॉक में भी हम लोगों को काफी तेजी देखने को मिलेगी। तो हम लोगों को जो लेवल देखने को मिलेगा वो कहां तक जा सकता है, तो जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा अल्काइल अमीन में, वो 5600 के आसपास देखने को मिलेगा। और टारगेट की बात करें कि आने वाले दिनों या महीनों में ये शेयर कहां तक जा सकता है, तो यहां पर हम लोगों को साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में अल्काइल अमीन के शेयर भाव 6942 रुपये तक जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो भी केमिकल सेक्टर में जो अभी कुछ दिनों तक लाइमलाइट में रहेगा, उसमें जो तेजी बनेगी वो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में थमती भी नजर आए, लेकिन जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है इसका इफेक्ट वर्षों तक केमिकल कंपनियों में देखने को मिलेगा। जो भी केमिकल कंपनियां जिसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, उस स्टॉक में मल्टी ईयर रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लगातार एक लेमैन की भाषा में स्टॉक रिलेटेड जानकारियां लेकर के आता रहता हूं, आपको शेयर संबंधी जानकारी रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आप दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।